win. Pakistan, amazing country, amazing people. Pakistan, Zindabad! America, Murdabad ka nara laga do. I'm from the United States. कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये तो इन झोपड़ी वालों की हालत है। पाकिस्तान विजिट करने आए अमेरिकन बंदे से ही अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं। मतलब एक तरफ अमेरिकन बंदर जरा सहमा पाकिस्तान की तारीफ के पुल बांध रहा है और बदले में पोर्की अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगा दो। उतर आया ना औकात पे। भाई यही है इन जिहादियों की असली औकात। इन सालों के साथ कोई कितना भी अच्छा क्यों ना कर ले, मिलेगी नफरत ही। और ये सिर्फ अमेरिकन के लिए नहीं है, हिंदुस्तानियों के प्रति भी देख लो। इंडिया का नाम सुनते पहले किस दिमाग में क्या आती है? हमारे दिल में उनके लिए नफरत पैदा होती है। और इन पोर्कियों के दिलों में प्रेम किसके लिए उमड़ता है? हाफिज सईद साहब ने वो सिंध वाली एरिया का दौरा किया। भाई बंदी एक आतंकवादी के नाम के पीछे साहब तो ऐसे लगा रही है जैसे यही उसकी रखेल हो, कि अगर ये उसके नाम के पीछे साहब नहीं लगाएगी तो वो इसका मुजरा देखना छोड़ इसका धंधा पानी बंद करा देगा। मतलब बंदों को एक तरफ मुंबई हमले के मास्टरमाइंड को इज्जत भी देनी है और दूसरी तरफ इन्हें विजिट भी कहाँ का करना है, इंडिया का, जो पिछले कुछ हफ्तों से माई फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया के नाम पर चुतियापा फैलाया हुआ है। और इस चुतियापे की सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? इस डेली स्वैग चैनल नामक गरीबों के शाहरुख खान ने, जिसका अपनी पहली वीडियो में कहना था, जो काम मैं करने जा रहा हूँ आज तक न किसी यूट्यूबर ने किया, न आने वाला कोई कर सकता। बिल्कुल सही फरमाया भाई। घर बैठे फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया के नाम पर चुतियापा कोई कर ही नहीं सकता। ये कला सिर्फ तुम पोर्कियों के ही पास है। और अगर तुझे कुछ ऐसा करने का ही शौक है जो आज तक किसी ने न किया हो, तो एक काम कर, नंगा होकर खड़ी तलवार पर रपक और अपने हथियार से ब्रेक लगा। ये कारनामा आज तक इतिहास में किसी बंदे ने नहीं किया होगा। क्या हुआ, सोच कर ही फट गई। अब भाई अगर आप इन पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल को देखोगे तो आपको लगेगा पाकिस्तानी इंडिया का विजिट करने की बात कर रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की रियल आवाम, मैं तो कभी भी इंडिया नहीं जाऊंगी, कोई भी प्राइज और मैं नहीं जाऊंगी, इंडिया से मुझे बिल्कुल बहुत ही नफरत है। भाई ये है पाकिस्तान की रियल आवाम, बाकी तो फर्जी रिएक्शन के नाम पर इंडियन लोगों का चूतिया काट रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और इनका ये फर्जी रिएक्शन कोई नया नहीं है, ये काम तो बंदे सालों से करते आ रहे हैं। अब इनकी इंटरव्यू देने वाली पब्लिक को ही देख लो, बंदों ने 10-10 रुपए देकर ऐसे कई लोगों को लगा रखा है जो हर पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर जाकर इंटरव्यू देते फिरते हैं। एक ही लड़की 50 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। आपको इंडिया जाने का मौका मिले, इंडिया विजिट करने का मौका मिले तो जाएंगी? जरूर। क्या देखेंगी वहाँ जाकर? मैं कुछ नहीं। तो क्या इंडिया झक मराने आएगी? भाई ये लोग सिर्फ उतना ही बोलते नजर आते हैं जितनी इनमें चाबी भरी जाती है, और अगर उससे ज्यादा इनसे कुछ पूछ लिया जाता है तो इस बंदी जैसी ही हालत हो जाती है। बंदी इंडिया का विजिट करना जरूर चाहती है लेकिन देखेगी क्या? कुछ नहीं। भाई इन बंदों ने इंडियन लोगों का इस कदर माइंड वॉश किया हुआ है कि सब कुछ आंखों कानों से देखने सुनने के बावजूद भी इंडियन लोग इनकी हरामी पंती नहीं समझ पा रहे। अब इस बहन की घोड़ी को ही देख लो, ये है अनम शेख जो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल चलाती है, और इसका कहना है, आज हम बात करने जा रहे हैं यासीन मलिक, जो कि नरेंद्र मोदी के हुकूमत के होने के बाद जो उन पे जुल्म किया गया है। हाँ, आतंकवादी यासीन मलिक पर जुल्म किया गया है, और जो वो वर्षों से कश्मीरी पंडितों पर जुल्म करता आ रहा था उसका कुछ नहीं, मतलब बंदी खपंच सी है, कोई इसमें ढंग से फूक भी मार दे तो टप्पा खाकर कैमरे के लेंस पर जाकर लगेगी। ये आतंकवादियों के सपोर्ट में आवाज उठाएगी। अबे पोर्कियों, औकात में रहो। मतलब बंदे आतंकवादियों के सपोर्ट में तो तुरंत खड़े हो जाएंगे, लेकिन बात जब पाकिस्तान में रह रहे सीधे साधे हिंदुओं की हो तो एक बंदा उनके सपोर्ट में आकर रोडों पर धरना नहीं देगा, जबकि खुद इनके मुल्क में हिंदुओं की हालत, सिंध की एक और हिंदू लड़की मुसलमान हो गई है। चलो ये तो फिर भी पाकिस्तान के आम हिंदू नागरिक हैं। बंदों ने पाकिस्तानी हिंदू सांसद दानिश कुमार को भी नहीं छोड़ा, बंदे उस पर तक धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहे हैं। यहाँ पर मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि दानिश कुमार कलमा पढ़ लो, मुसलमान हो जाओ। अब भाई खुद सोचो, इन पोर्कियों ने पाकिस्तानी हिंदुओं की क्या दुर्दशा की हुई होगी। लेकिन मजाल है कि कोई पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल हिंदुओं के समर्थन में ट्विटर पर ट्रेंड चला दे। हाँ, लेकिन यूट्यूब पर बंदों से फालतू का रिएक्शन देते हुए 50 वीडियो डेली जरूर बनवा लो, क्योंकि यूट्यूब पर कमाई होती है ना, ट्विटर पर यूट्यूब जैसी कमाई नहीं हो सकती। तभी तो यूट्यूब पर माई फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया, मुस्लिम्स कंडीशन इन इंडिया, लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या कंडीशन है, इस पर कोई पोर्की ट्विटर पर ट्रेंड नहीं चलाएगा, बस वीडियो बनाकर यूट्यूब से डॉलर्स में छापेंगे, वो भी किससे, इंडियन ऑडियंस से, क्योंकि 99% तो इन्हें देखने वाली इंडियन ऑडियंस ही है, बचे 1% तो वो दूसरे देशों के हैं।
हैं जिनमें कितने परसेंट पाकिस्तानी इनके चैनल्स को देखते हैं। जीरो, शून्य। यहाँ तक कि कुछ पाकिस्तानी चैनल्स तो अपनी वीडियोज को पाकिस्तान में ब्लॉक करके तक रखते हैं ताकि पाकिस्तानी ऑडियंस इनकी वीडियोज ही ना देख पाए, क्योंकि इन्हें तो इंडिया का गुणगान करके यूट्यूब से कमाई करनी है और उधर रियल पाकिस्तानी। इंडिया वालों को मेरा पैगाम है, जब गिज़वाई हिंदू ने ना सबसे पहली सफ में जाएंगे हम, लड़ेंगे और इनसे 30 से 40 काफिर तो मार के ही मैं जाऊंगा जन्नत में। अरे तुम्हारी बहन का जिहादी मारूं, काफिर काफिर करते खुद फकीर बन गए, भूखे मरने की नौबत आ गई है और तुम काफिरों को मारोगे। पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा, मतलब ये लोग गजवाए हिंदी की बात करते हैं, दिन रात इंडिया को गालियां बकते हैं, आई हेट इंडिया चिल्लाते फिरते हैं और उसके बाद आप लोग मुझसे उम्मीद करो कि मैं इन लोगों पर प्यार बरसाऊंगा। भाई अगर ऐसा सोचते हो तुम्हारे मुंह पर पानी फेंक मारता हूं। और ये फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया वाले पोर की भी कान खोल कर सुन लो, जो एक जगह बैठकर इंडिया घूमने की बात करते हैं। ये तुम्हारा प्रचार, ये घूमना फिरना कान को सड़ दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारी जो वीडियो है वो खत्म हो गई यार, ट्राइब ब्रो ने काफी धमाकेदार किस्म का रोस्ट किया है। ओए होए होए, शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है, सच्ची बहुत शर्म आ रही है। इतना ज्यादा मतलब तीखे वाला रोस्ट था और नायला शायला लोगों को तो पकड़ के, फरन्नम शेख को, सबको पकड़ पकड़ के रोस्ट किया है। लेकिन मुझे सारी वीडियो में जो एक बात लगी ना काम की, मतलब बातें तो सारी ठीक ही थी किसी हद तक, लेकिन जो मुझे लगी बात कि वाकई में ये जो चीज़ कही ना उसने कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू यानी कि कम्युनिटी जो है उनकी क्या सिचुएशन है, इस पर भी तो बात करनी चाहिए ना। ये पॉइंट मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैलिड लगा कि वाकई में यार हमने भी एक दो वीडियोज़ देखी है, जैसे कि आपको पता है तो यहाँ पे कंडीशन यानी कि हिंदू कम्युनिटी की कोई अच्छी नहीं है, बहुत ही बुरी कंडीशन है और इस बात पे क्यों नहीं आवाज़ उठाई जाती, ये बात मुझे वाकई में सही लगी। और आपको पता है एक चैनल है जिनका, जिन्होंने बताया था कि उनको ग्लास में पानी भी नहीं पीने देते और धो के मतलब उनके साइड पे ग्लास रखे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे उनकी वाकई में लगी कि आपको हमें इंडिया देखने का शौक होता है लेकिन पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, इस पे भी तो वीडियो होनी चाहिए। ये मुझे कहीं ना कहीं सॉलिड पॉइंट लगा। और अगर हम बात करते हैं जो फर्स्ट डे मतलब या फर्स्ट विजिट इन इंडिया जैसे कि तुम्हें पता है, हां ट्रेंड यार उस पे वो सबसे फर्स्ट पे जिसने स्टार्ट वो चीज है, वो स्वैग चैनल है ना, एक वो जो लड़का है जो दिखाया ना इस वीडियो के अंदर, उसने स्टार्ट किया था सबसे पहले। लेकिन एक बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वाकई में यार इंडिया के अंदर इंटरेस्ट है कि अगर उनको मौका मिले भारत जाने का तो वो जाएंगे, वो वहीं पे रहना भी चाहते हैं क्योंकि यार वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ की वो कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा वहाँ पे तरक्की होगी, जितनी चीज़ें सस्ती मिलती हर चीज़, तो कुछ लोग जाना चाहते हैं यार, वाकई में ये भी सच है। और इसको भी देखें हर बंदा यार एक जैसा नहीं होता, ये तो माने सब लोग सेम थोड़ी है कि हम, मुझे नहीं लगता यार, मैं बताऊं ना तो मुझे नहीं लगता मैं अपने दिल में किसी के लिए नफरत रखती हूँ। अगर मैं मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे कोई अच्छा ना लगे, मतलब ऐसा होता ना कि अगर वो मुझे बंदा अच्छा नहीं लगता तो मैं पता क्या करूँगी, मैं थोड़ी सी बातचीत कम करना स्टार्ट कर दूंगी। लेकिन जैसे जैसे शायद बातचीत ज्यादा हो तो वो इंसान अच्छा लगने लग जाता है आपको। लेकिन अब नफरत, एक जो है ना नफरत, ये बहुत बड़ा वर्ड है, ये बहुत कम लोग है यार ये जो करते हैं। और अगर मैं बात कहूँ तो यार ये लोगों के ना दिमाग जो है ना वो सही जगह पे नहीं है, मतलब ये सही जगह पे इनको लाने की जरूरत है ताकि समझ सकें कि हमें भारत की कितनी ज्यादा जरूरत है।